दोस्तों, आप सभी टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री पूजा गौर को तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री के कई सारे सीरियल्स में काम किया है, जो कि अपने हर एक किरदार में खुद को बखूबी ढालकर दर्शकों के सामने बड़ी खूबसूरती से पेश करती हैं, जिन्हें इनके फैंस बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और इनसे शादी करने की चाहत अपने दिल में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड अदाकारा पूजा गौर से जहां सभी दर्शक शादी करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसी भी अभिनेता है जिनसे ये शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनसे शादी करने से साफ साफ कर दिया मना, जिसके पीछे हमें कई कारण देखने को मिलते हैं। तो आखिरकार क्यों और किस वजह से उस अभिनेता ने इनसे शादी के लिए मना किया, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। उस अभिनेता से रूबरू भी करवाएंगे जिन्होंने अभिनेत्री पूजा गौर से शादी करने से मना कर दिया। तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही साथ अभिनेत्री पूजा गौर के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती और अपनी दमदार एक्टिंग से फेमस होने वाली अभिनेत्री पूजा गौर टीवी इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार कराती हैं, जिन्होंने बेहद ही कम समय में ही अपने किरदारों से दर्शकों का काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट किया है और काफी ज्यादा फेमसिटी हासिल की है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि हर किसी के दिलों में बस जाने वाली अभिनेत्री पूजा गौर की पर्सनल जिंदगी के बारे में, जहां इनसे शादी करने के लिए एक एक्टर ने मना कर दिया था, तो वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि जाने माने अभिनेता राज सिंह अरोड़ा ही है। जी हाँ दोस्तों, ये वही हैंडसम और चार्मिंग अभिनेता है जिन्होंने अभिनेत्री पूजा गौर से शादी करने से मना कर दिया है। हालांकि इन सबसे पहले ये दोनों काफी लंबे समय से लव रिलेशन में बने हुए थे। इन दोनों की पहली मुलाकात कोई आने को है सीरियल के सेट पर हुई थी, जहां दोनों ने काफी अच्छे से बात की और काफी अच्छे दोस्त बने। फिर दोनों की यही दोस्ती प्यार में बदलती गई और ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए। बता दें कि दोनों करीब 10 सालों तक एक साथ रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन अभिनेत्री पूजा गौर के फैमिली मेंबर्स इस रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन बाद में दोनों की फैमिली भी मान गई थी और दोनों ही टेलीविजन के मोस्ट लवेबल कपल भी बन गए थे। साथ ही साथ इन दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ दो जिस्म एक जान बनने का फैसला किया, जिसके चलते दोनों के बीच का प्यार सोशल मीडिया पर बखूबी देखने को मिलता रहा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पिक शेयर करते हुए और लाइफ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे, जिनकी लव केमिस्ट्री तो उनके फैंस द्वारा बेहद पसंद की जा रही थी। इसीलिए उनके फैंस ने ये खबरें फैलानी भी शुरू कर दी थी कि ये दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन दो लव बर्ड्स के रिलेशनशिप में 10 साल एक साथ रहने के बावजूद भी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। दोनों हमेशा हमेशा के लिए हो गए एक दूसरे से अलग। ऐसे में इनके ब्रेकअप की खबर ने सबको हैरान करके रख दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर अब सभी लोग दंग रह गए थे। वजह थी कि अभिनेता राज सिंह अरोड़ा ने इनसे शादी करने से इसलिए मना कर दिया, क्योंकि अभिनेत्री पूजा गौर ने सोशल मीडिया पर सभी के सामने शादी करने का ऐलान कर दिया था। यही बात राज सिंह अरोड़ा को पसंद नहीं आई, क्योंकि अभिनेता राज सिंह अरोड़ा अपने करियर में फोकस करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि उनकी गर्लफ्रेंड यानी पूजा गौर उनसे कई ज्यादा आगे निकल गई हैं और साथ ही अपने करियर में काफी ज्यादा सफल और फेमस भी हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की बातें सुनने को मिलती थी। वही बातें उन्हें काफी ज्यादा खटकने लगी थी। इसी के साथ राज के दिल में पूजा के लिए प्यार खत्म होता चला गया। वहीं जब इन्होंने सोशल मीडिया पर उनसे शादी करने की बात कही, तो उन्होंने इसी जलन की वजह से इनसे शादी करने से मना कर दिया और इनसे ब्रेकअप कर लिया और हो गए इनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभिनेता राज सिंह अरोड़ा ने अभिनेत्री पूजा गौर से शादी करने से मना करके बिल्कुल सही किया या फिर बिल्कुल गलत किया? आप क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। लेकिन साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।